अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने कुलदीप सिंह तंवर से बातचीत की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से मुलाकात करके आए, क्या मसला था, किन चीजों को लेकर मुलाकात की और क्या आश्वासन मिला? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हमने अपने समाज के लिए, राज्य में भागीदारी के लिए बात की है। अभी लोकसभा आगे चुनाव होने जा रहे हैं, सभी पार्टियों ने बड़े मैनिपुलेटेड तरीके से हमें साइडलाइन किया है और हमें टिकट काट दी गई हैं। और टिकट के लिए यहाँ पे गाजियाबाद से भी जनरल वी के सिंह की टिकट काट दी और भी बहुत राजपूतों की टिकट काट दी है और हरियाणा में भी हमें MLA की टिकट 3 या 4 देते हैं, जबकि हम 20-22 सीटों पर हम डिसाइडिंग फैक्टर है। हरियाणा में हम चुनाव को एकदम से पलट सकते हैं और हमें कम से कम 9-10 सीटें, हमने हुड्डा साहब को बोला है, हमें दी जाए आश्वासन। उन्होंने बोला अभी वैसे तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, पर जैसे आप लोग कहें हम बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आश्वासन मिला है, अब ये देखना होगा कि आश्वासन कितने हद तक कामयाब हो पाता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।